जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो, शौर्य चक्र अवार्डी और 3 टाइम आयरन मैन फिनिशर, मैराथन रनर प्रवीण कुमार तेवतिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो 1600 मीटर का मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम बता रहा हूं, ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दोनों फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, गांव देहात के हमारे युवक और युवतियों को अच्छे कोच नहीं मिल पाते और ना ही उनको कोई अच्छा गाइड करने वाला मिलता है। वो अपने आप इधर उधर से सीख के अपनी ट्रेनिंग करते हैं। मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मैंने अपनी इनिशियल ट्रेनिंग, शुरुआती दौर में जो मैंने ट्रेनिंग की, वो इधर उधर से ही मैंने सीख के अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया था। अगर हमारे गाँव क्षेत्र के लोगों को सही गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले तो वो 1600 मीटर को आराम से 4.5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। और ये जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो 1600 मीटर आराम से आप 4.5 मिनट में कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वार्म अप से। आज का दिन है वेडनेसडे का, वेडनेसडे इंटरवल रन। रन करने से पहले हमको करना पड़ेगा वार्म अप। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 तरह के वार्म अप ABC की एक्सरसाइज दिखाई थी। अभी भी फिर मैं 4 एक्सरसाइज फिर आपको दिखा रहा हूँ जो कि रनिंग से पहले आपको करनी है। ये सारी एक्सरसाइज आपको 15 to 20 मिनट्स करनी है। इनके 20 मीटर के आपको सेट करने हैं, 4 से 6 सेट आपको करने हैं रनिंग से पहले। लास्ट वीडियो में मैंने थाइज की एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया था। इस वीडियो में मैं एंकल ड्रिल्स और एंकल बाउंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने फोकस किया है। तो आप जो एंकल की एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस एक्सरसाइज में आप देखिए, हील एंड टो जो कि आपके एंकल को स्ट्रॉन्ग करता है। यह वीडियो आप देखें, नी थोड़ा सा बैंड होना चाहिए, हिप आपका थोड़ा सा लो, और जब आपका पैर ऊपर उठे तो 90 डिग्री जाना चाहिए और आपकी जो पैर की लैंडिंग है वो टो के ऊपर होनी चाहिए। इन एक्सरसाइज को करने से आपके एंकल, नी और थाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो स्पीड वर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज का दिन है इंटरवल का। इंटरवल का मतलब होता है कि आपको सारी डिस्टेंस सेम स्पीड में नहीं रन करनी है। इंटरवल रनिंग शुरू करने से पहले आपको 1.5 किलोमीटर जॉग करना होगा। इंटरवल रनिंग में 400 मीटर 1 मिनट में आपको पूरा करना होगा और रुकना नहीं है। उसके बाद स्पीड को स्लो करना है। नेक्स्ट 400 मीटर आपको बहुत स्लो करना है, वो आपको 1.5 मिनट में पूरा करना है। इस तरह से आपको 5 राउंड 400 मीटर के फास्ट और 5 राउंड 400 मीटर के स्लो करने हैं। बीच में अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी का ब्रेक जरूर लें। अब हम आते हैं दोस्तों स्ट्रेचिंग और कूल डाउन एक्सरसाइज के ऊपर। रनिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद वाटर ब्रेक, और आप आधा या एक केला बीच में खा सकते हैं। उसके तुरंत बाद आप स्ट्रेचिंग और अपनी बॉडी को कूल डाउन कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जंपिंग जैक्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेचिंग और कूल डाउन बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 4 और तरह के जंपिंग जैक्स और 4 और तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो होगी दोस्तों टेम्पो रन के ऊपर। मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अगर किसी ने मेरी पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने आपको इजी रन के बारे में बताया है। दोस्तों, 3 और वीडियो 1600 मीटर के ऊपर और आएंगी, जिनमें कि मैं कवर करूंगा टेम्पो रन, स्पीड रन और स्लो रन। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि आपको रनिंग के ऊपर और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।